नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं संदीप चंद्रवंशी। जैसा कि अभी हमने हिंदी की जो क्लासेस स्टार्ट की है उन्हीं में हमने आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वह है आपका संज्ञा। संज्ञा का जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है एग्जाम के पर्पज से। जैसे कि आपका SI हो गया, MPSC हो गया, कोई सी भी एग्जाम होगी, जैसा कि अभी आपका JEE का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उन्हीं को अगर देखते हुए तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके AMI क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा में हम आज की इस क्लास में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, उनसे संबंधित उदाहरण, साथ में एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में परिवर्तन किस तरह होता है, तो वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो संज्ञा की परिभाषा से शुरुआत करेंगे। तो संज्ञा वह विकारी शब्द है, संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, वह आपका संज्ञा हो जाता है। तो परिभाषा देखें, संज्ञा वह विकारी शब्द है। देखिए यहाँ पे नाम आया विकारी, तो ध्यान रखिएगा संज्ञा आपका विकारी के अंतर्गत आएगा। आपका दो होता है विकारी और अविकारी, तो संज्ञा आपका विकारी में आएगा। विकारी और अविकारी जो शब्द है उनको हम आगे देखेंगे। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, तो वह आपका संज्ञा होता है। जैसे कि आपने देखा रमेश, दिल्ली, सबका मित्रता, तो यहाँ आपका संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ आपका किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी स्थान की बात की जा रही है, साथ में यहाँ पे आपके भाव की बात की जा रही है। अब देखिए संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। तो संज्ञा के प्रकार को लेकर वैसे मतभेद है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि 7 प्रकार की होती है, कुछ का मानना है 5 प्रकार की, लेकिन जो सर्वमान्य है वह आपका 5 प्रकार है। क्या है? 5 प्रकार। अर्थात संज्ञा के प्रकार कितने हो गए? 5 प्रकार हो गए। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, तो वो जो पांचों प्रकार में उनको हम एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा की जब बात करेंगे तो इससे हमें किसी व्यक्ति विशेष या फिर एक जाति, जन समूह की बात होती है, या फिर जाति की बात होगी, या फिर जाति का बोध होगा, वह आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखे हमने, जैसे कि गाय, कुत्ता, हाथी, लड़का, लड़की। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि गाय हो गए, तो किसी एक विशेष गाय की बात नहीं की जा रही, बल्कि इस दुनिया में जितनी भी गाय है उनकी पूरी जाति की बात की जा रही है। लड़का है तो पूरे लड़कों की जो जातियां हैं उनकी बात की जा रही है। लड़की है तो जो पूरी दुनिया में जो भी लड़कियां हैं उनकी एक साथ एक जाति के रूप में बात की जा रही है। तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के फिर से उदाहरण देखिए, एक बार गाय, कुत्ता, हाथी, लड़का, लड़की, यह आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला देखते हैं, अगला आता है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की जब बात करेंगे तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी या फिर किसी स्थान की बात की जाएगी। कैसे? जैसे कि आपका रमेश, मोहन, दिल्ली, पटना, आगरा, यहाँ आपका एक विशेष स्थान या फिर विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वहाँ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक नाम का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? एक नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। देखिए अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा कि यहाँ आपको आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके बारे में, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसको देख के आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुए, वह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। जैसे शत्रुता, मित्रता, लड़कपन, बुढ़ापा, तो ये जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? भाववाचक। भाववाचक को फिर से देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे आपने बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता और मिठास, तो यहाँ आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। अगला आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। जब समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जनसंकुल की बात की जाएगी। जैसे कि गुच्छा, ध्यान से देखिएगा, गुच्छा चाबी का एक गुच्छा है। अगर एक चाबी रहेगी तो उसे हम सिर्फ चाबी बोलेंगे, लेकिन अगर 10-12 चाबी है तो उनको हम गुच्छे के रूप में बोलेंगे। भीड़, सेना, सेना में क्या है, एक सैनिक नहीं होता बल्कि बहुत सारे सैनिकों से मिलकर सेना बनती है। अगर एक सैनिक रहेगा तो सिर्फ उसे हम सैनिक की संज्ञा में रखेंगे।
तो जैसे कि आपने देखा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में आपने देखा सेना, झुंड, भीड़ और जनता, यह आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का अर्थ है जिस संज्ञा से हमें किसी धातु या फिर तरल पदार्थ, यदि पदार्थ का बोध होता है वहां आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसमें हमने देखा सोना, चांदी, दूध, दही, यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, संज्ञा देखी, संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के पांच प्रकार देखे, पांचों प्रकार को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक, यहाँ आपके संज्ञा के पांच प्रकार हो गए। आपसे इन पांचों प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उदाहरण से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में आपको एक और चीज बताऊंगा, यहाँ पे दो चीजें, एक है आपका जातिवाचक और एक है आपका व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इनसे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि आपने देखा वह व्यक्ति विभीषण है, वह व्यक्ति विभीषण है, तो विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन हम यहाँ पे विभीषण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो व्यक्ति जो छल करता है या ऐसे कुछ करता है उस व्यक्ति की बात की रही है, की जा रही है। तो उस स्थिति में यहाँ आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपका जातिवाचक संज्ञा की तरह काम करने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, परिभाषा से भी पूछे जाएंगे कि आपका संज्ञा कैसा, सत्य की विकारी है कि अविकारी है, साथ में आपसे उदाहरण भी दे देंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि संज्ञा में किन को शामिल किया गया, आप बता देंगे प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा संज्ञा कंप्लीट होता है और संज्ञा से संबंधित जो भी हमारा